हर एक पार्टी के वर्कर को एक अथॉरिटी मिलती है भी वह अपनी पार्टी क्वेश्चन कर सकता। मैं भी क्वेश्चन किए, मैं तो चार सवाल ही पूछे से भी साडा ये वितकरा क्यों, तुम कहते दूजिया पार्टियां का कूड़ा कबाड़ नहीं लेना, हूँ लिया क्यों? असी पंजाब नूं बचाउण वास्ते पार्टी दे नाल जुड़े सी, ते अज जो हालात लग रहे हैं मैनू नहीं लगता भी पंजाब नूं बचाउण वास्ते आम आदमी पार्टी सही है। मुद्दिआं दी राजनीति असी उस पंजाब दे हक दी आवाज असी उस तरीके नाल बुलंद करदे रहांगे ते करदे रहना। असी पंजाब दी हिंदुस्तान दी लड़ाई लड़नी है। मेरी नाराजगी इस वास्ते सी जो अपने हल्के च अपने को पांच बंदे से, मेरे अलावा तीन चार होर उम्मीदवार से जेडे पिछले पांच साल तो काम कर रहे सी, पार्टी के वफादार से, उन्होंने क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया? यही एक हल्के की गल नहीं, कई हल्क की गल। ग्लोबल पंजाब टीवी देख रहे हो तुसी, मैं हाँ हनुजा शर्मा। और हुने हुने कांग्रेस विच आम आदमी पार्टी तो जिहड़े गुरतेज सिंह पन्नू ने उन्होंने मोहाली तो ये रहे ने और ऐतकी ये टिकट के उम्मीदवार भी सके, इन्होंने आके कांग्रेस ज्वाइन की है। पन्नू जी, की कारण हो गया कि आके कांग्रेस ज्वाइन करनी पई, हालांकि आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिहड़ी इस वक्त पंजाब दे विच सत्ता च है? देखो जी, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। असी जिमें साडे कांग्रेस पार्टी के प्रधान साहब ने कहा भी हर एक पार्टी के वर्कर नू एक अथॉरिटी मिलती है भी वह अपनी पार्टी क्वेश्चन कर सकता। मैं भी क्वेश्चन किए, मैं तो चार सवाल ही पूछे से भी साडा ये वितकरा क्यों, तुम कहते दूजिया पार्टियां का कूड़ा कबाड़ नहीं लेना, हूँ लिया क्यों? तुम अपने जेडे इलेक्शन तो पहला जेडे वादे करते पूरे क्यों नहीं किए? असी दो साल दिते, मैं कोई नहीं भी मैं कोई इल्जाम लाने की नीति ना कर रहा, मैं दो साल टाइम दिता, डेढ़ साल हो गया अच्छ सरकार बनी नूं, असी चुप करके बैठे रहे, वॉच करते रहे, पर अज हालात ये बन गए हैं भी भाई जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में कह के मेरे अर्गे नौजवानों उठा के लियाए से, वो सिस्टम ही नहीं रहा पार्टी से। सो पार्टी का सिस्टम बिल्कुल बदल चुका है। असी कोई राजनीति से असी कोई पावर के भुखे लोग नहीं गए, असी पंजाब नूं बचाउण वास्ते पार्टी के नाल जुड़े से, ते अज जो हालात लग रहे हैं मैनू नहीं लगता भी पंजाब नूं बचाउण वास्ते आम आदमी पार्टी सही है। तुसी एक गल दसो कि जिस वक्त हुण तुसी कांग्रेस ज्वाइन की, तुहाडे ते भी सवाल उठणगे किते ना किते मोहाली दे वल्लों, तुहाडी भी उम्मीदवार तुसी भी सीगे टिकट दे उस वेले, इह भी उठेगा कि तुहानू टिकट नहीं मिली, तुसी सत्ता दे विच नहीं आए तां करके तुसी पार्टी बदल? बिल्कुल उठेगा जी, मेरे नाल तीन उम्मीदवार होर सी जिन्हां ने पार्टी च काम कीता सी, और मेरा मुद्दा कदी भी इह नहीं सी भी मैनू टिकट क्यों नहीं दित्ती गई, उन्हां तिन्हां चों किसे नूं भी दे दिंदे। तुसी मैडम की गल की है, मैं चलो किसी तरह इल्जाम नहीं लाना चाहता, उन्होंने हल्के भी जाके पता करो भी हल्के एक्चुअल काम कौन करता सी, टिकट किनू मिल गई? सो मैं असी गल पता की है जी, मैं तो मुद्दों की गल करना चाहना, मुद्दे ये भी मेरे अर्गे कई नौजवानों को कहा गया भी डेमोक्रेटिक सिस्टम रहेगा पार्टी से, ताकि बराबर की सेह रहेगी, पर जो असी पहली बार चार सवाल पार्टी को किए सू बाहर का रस्ता दिखा दिता गया, बस कहानी इन्नी क्या। लेकिन जिस पंजाब सरकार दे नाल गल हुंदी है वह तो अज भी कहिंदे ने कि जिहड़ियां जिहड़ियां गल्लां असी पंजाब दे विच कह के आए सी, जो जो गल्लां असी कहीआं सी भावें किसानी नूं लै के होवे, नौकरियां नूं लै के होवे, भावें कंपनियां नूं इत्थे लै के आना होवे, कहिंदे सारे काम तो असी कर रहे हैं। किन्नियां कंपनियां आ गईआं जी, मैनूं लिस्ट दे दिओ जरा, प्रोवाइड कर दिओ, मैं भी देख लां किन्नियां कंपनियां आ रही हैं, किन्नी क बेरोज़गारी दूर होई है। तुसीं मेरे तो ज़्यादा जानते हो, प्रेस च मीडिया वाले हो, 1997 तो लैके हुण तक देख लो भी पर ईयर जिन्नियां भी सरकारां रहीआं अजे तक पर ईयर किन्ना कर्जा चढ़ता रहा, तो ऐतकी पिछले एक डेढ़ साल च किन्ना कर्जा चढ़िया। फिर बाकी बहुतियां गल्लां लंबियां मैं कहां, तुसीं काफले देख लो पहलां की गल्लां हुंदियां हुंदियां सी, ते हुण काफले देख लो किन्नियां किन्नियां वड्डे काफले। मान साहब दे मैं बहुत रिस्पैक्ट करदा, मैं बहुत लंबा समा उन्हां दे नाल कढ़िया, मैनूं कोई उन्हां नाल परसनल ग्रज नहीं गा, मैं तो सिर्फ मुद्दिआं दी गल करदा, और जे मुद्दिआं दी गल च तुसीं मैनूं पार्टी तो बाहर दा रस्ता दिखाया फिर गलत गल है। तनु जी, हुण लगदा कि कांग्रेस दे विच आके ज्वाइन कीता इत्थे तुहाडे जिहड़े आइडियोलॉजिकल डिफरेंसिस आम आदमी पार्टी दे नाल हो रहे सीगे इत्थे नहीं होणगे, इत्थे आइडियोलॉजी मिल रही है? उहदा जींदा ज्यादा सबूत हैगा ना जी, आ देखो साडे प्रधान साहब राजा वड़िंग जी जींदा ज्यादा सबूत ने, किसे पोलिटिकल फैमिली चों नहीं है, ब्लॉक लैवल तो उठे ने, आई वाई सी दे प्रधान रह ले, तीन वारी MLA रह गए, हुण PCC दी कमांड इन्हां दे हत्थ च है, इहदा जीदा जागदा सबूत राजा वड़िंग जी ने। यही आइडियोलॉजी नूं आम आदमी पार्टी, देखो पार्टी कोई चंगी माड़ी नहीं गी, मैं कहां भी आम आदमी पार्टी माड़ी या कोई, पार्टी नूं चलाउण वाले बंदे गल उन्हां दी हो रही है, ते उन्हां नाल असीं गल सिर्फ मुद्दिआं दे बारे करनी। लेकिन किते ना किते कांग्रेस वी तां उपर जाके आम आदमी पार्टी नाल ही मिल रही है, अलायंस तां इंडिया गठजोड़ दा उही है। देखो उहदा बहुत वड्डा रीज़न ये है भी अज देश नूं बचाउण दी गल हो रही है, ठीक है, देश नूं बचाउण वास्ते अज मोदी जी नूं उत्थों रिमूव करन वास्ते जे उह अलायंस हुंदा हजे होया नहीं,
हजे ओदी चीज़ां फाइनलाइज़ होईयां नहीं, पर जे हुंदा है तो अज देश नूं बचाउण वास्ते असीं इह नहीं कहिंदे वी उहनां नाल मुद्दिआं दी लड़ाई बंद कर दांगे। किते वी राजा वड़िंग जी ने इह गल नहीं कही वी असीं उहनां दे नाल मुद्दिआं दी लड़ाई बंद कर दांगे। सरकार दे अज वी खिलाफ असीं कल अज जिवें राजा वड़िंग जी ने दस्सिया वी धरना मुद्दिआं दी राजनीति, असीं उस पंजाब दे हक की आवाज़ असीं उस तरीके बुलंद करते रहांगे ते करते रहना। असीं पंजाब दी हिंदुस्तान दी लड़ाई लड़नी है ते उन्हूं बचाण वास्ते जे कोई जरूरी स्टैप लेना पए ते लेना चाहिए। ते हुण लोकसभा दीआं चोणां भी आ रहीआं ने, जां हुण कांग्रेस आके जॉइन कीती है, कोई गल्लबात होई कि अच्छा भी मैं इह टिकट लऊंगा जां इत्थे मैं इह अहुदा लऊंगा? देखो मैं पहलां भी कदी अज तक कोई डिमांड नहीं रखी सी पार्टी नूं, पार्टी च जदों मैनूं बाहर दा रस्ता दिखाया जा रहा सी, मैनूं कई तरीके दी मतलब कई मैसेजेस भी आए सी आ दे दा, मैनूं किसी चीज़ की लोड़ नहीं गी। काम करना, काम करने वास्ते ग्राउंड की लोड़ है, किसी के खिलाफ नैगेटिव बोलन की लोड़ नहीं। जे तुसीं आप कामयाब हो, आप अपना काम दिखा सकते हो, तुसीं आपकी लाइन लंबी करते जाओ, ताड़ी ग्राउंड अपने बंद है। सो किसी दे मैं जदों राजा वड़िंग जी नूं मिलिया अज तक तो पहली गल मैं तुहानूं दसना चाहना मैं इन्ना ग्राउंडेड बंदा कभी नहीं देखा। एक्सैसिबिलिटी जिहड़ी सब तो जरूरी है, क्योंकि पिछले जिन्ने भी पीसीसी तुसीं आप प्रेस वाले पत्रकार सारे वीर भाई जानते हैं, जिन्ने भी पीसीसी प्रेजिडेंट्स रहे हैं, एक्सैसिबिलिटी सब तो वड्डा मुद्दा सी जिहदे करके नौजवान किते ना किते कतराउंदे सी। असीं तो 11-11, 12-12 बजे जाके उठा देंदे रहे, हजे मैं पार्टी जॉइन नहीं सी कीती तां वी जाके मैं उठा लैंदा रहा भी आह मुद्दे ते मैं थोड़े नाल गल करना चाहुंदा। सो मैं कोई शर्त बिना किसी शर्त ते मैनूं एक कोने च सैनिक बना के बिठा देणगे मैं उस च भी खुश हाँ। मैनू कल नूं किसे मेरे किसे थां ते मेरी ड्यूटी ला देणगे मैं उस च भी खुश हाँ। मेरे तो कोई काम नहीं कराउणगे मैं उस च भी खुश हाँ। पर गल यह है भी पंजाब नूं बचाउणा, मैं आपदे मुद्दिआं दी आपदे ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਹ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ 55 ਕੈਂਸੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 955 ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਇਦ MC, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜੈਕਟ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਈ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਭਾਈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਪੂਲਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਫ੍ਰੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨਾ ਬੇਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਾਲ ਨੇ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ 1.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਵਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਗਰੱਜ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ, ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਮੇਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੇਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ 3-4 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹੀ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਈ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਡਮ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੜਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਂ? ਸਰਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਰਾਉਂਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ, ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਆਪਣਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਦੀ ਆ ਕੇ ਖੜਦੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਹਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
अज की डेट च केड़ा कोई कोई राजे का मुंडा तो लिया के बिठाया नहीं, एक आम घर च मुंडा उठ के आया ब्लॉक लैवल तो उठ के आया तो उन्होंने लिया के पार्टी ने बिठाया। तो ये साडे वर्गे कई नौजवानों वास्ते उम्मीद है भी कल साडा भी असी भी जो काम वधिया करांगे तो सानू भी पार्टी अगे लिया के बिठा सकती। बिल्कुल देखो मोहाली तो यह कितने ना कि आम आदमी पार्टी के नाल जुड़े हुए थे और इस वक्त आके कांग्रेस में ज्वाइन किया है और यही कहते हैं कहते कि एक्सेसिबिलिटी इशूज़ से बहुत सारे इशूज़ अपने होंगे लेकिन कितना कि नाराजगी ये जरूर है कहते कि सानू वो टिकटा नहीं मिली वो लोगों नहीं मिली जिन्होंने मिलनिया चाहिए से। कैमरा तो मेरे सहयोगी अमन के नाल मैं अनुजा शर्मा तुम देख रहे हो ग्लोबल पंजाब टीवी। हुण तुसी देख सकते हो ग्लोबल पंजाब टीवी नू डाउनलोड करो साडी ऐप एंड्रॉयड जा iOS ते फ्री विच रोकू अते Amazon Fire TV ते जा Apple TV ते नाल ही देख सकते हो लाइव स्ट्रीमिंग www.globalpunjabtv.com ते।